शुक्र है ये आपकी बेटी नहीं है। अल्लाह करे आपकी बेटी खैरियत से हो। लेकिन आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी को हम जल्द ढूंढ लेंगे। सानिया, तुम्हारा नंबर मुस्तकिल बन जा रहा है, मैं इसलिए तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ। सानिया प्लीज़ बता दो तुम किधर हो यार, तुम्हारा फ़ोन बंद है, सब परेशान है। सानिया सानिया सब परेशान हैं, सब घर वाले परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ, तुम्हारा फ़ोन बंद जा रहा है, लास्ट सीन भी बहुत पुराना है, प्लीज़ प्लीज़ कॉल बैक करो प्लीज़। हेलो फहीम, मैं डॉक्टर अभियान हारून बात कर रहा हूँ। फहीम दोस्त, तुम बता रहे थे कि तुम्हारे कोई जानने वाला है जो कि नंबर ट्रेस करके दे देता है ना? या मेरी जान, एक नंबर है ट्रेस करवाना है, पता लगवाना है लोकेशन क्या है ओरिजिनली। मेरे भाई प्लीज़ मेरे लिए कर दे यार प्लीज़, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही नंबर ट्रेस हो जाए तो मुझे मैसेज करोगे? मैं तुम्हें अभी नंबर मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ मैं कर रहा हूँ मैसेज। थैंक यू मेरी दोस्त, थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। बाजी, बाजी,
होगी ना, कोई तो जगह होगी ना। कह रहे थे सुबह सुबह क्या है बाजी, आपने तो कहा था कि जुनैद अपनी फैमिली से अलग हो जाएंगे, उसकी दोनों बेटियां मेरे सर पे आ गई हैं। क्या तुम्हारे घर? मेरे घर तुम अपना सामान लेके आ गई हैं। शुक्र है कि बड़ी वाली घर छोड़ के चली गई थी, वरना वो भी मेरे सर पे बैठ जाती। क्या है ये, आपने तो कहा था कि जुनैद अपनी फैमिली से दूर हो जाएंगे। थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं कर सकती बाजी, मेरी तबीयत खराब है, मैं इनकी मेहमान नवाजी नहीं कर सकती। तो तुम्हारी मुलाजमा कहाँ है, उसे करवाओ ना काम। आपको बताया तो था, 10 दिन की छुट्टी के लिए गई है, उसकी बेटी के पेट का ऑपरेशन था। मैं क्या करूँ बाजी। तो तुम इन दोनों से काम करवाओ ना, एक के बजाय दो मुलाजमें मिल गई तुम्हें। तुमसे मैं कैसे करा सकती हूँ, मैंने इनसे काम कराया तो जुनैद के सामने मैं बुरी हो जाऊंगी। जुनैद तुम्हारी हालत को समझता है, कुछ नहीं कहेगा वो तुम्हें, तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारा साथ देगा। मैं भी बात नहीं कर सकती जी, खुदा हाफिज़। दाखिल लिए सुन, मेरे और मेरे घर वालों का पीछा छोड़ दो। आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? तुमने तो सब कुछ बिगाड़ा है मेरा मदिया। मैंने? अनजान मत बनो, तुम अच्छी तरह से जानती थी कि मैं जुनैद से कितनी मोहब्बत करती थी। मैंने सच्चे दिल से उसे चाहा था, उसके बगैर जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हारी वजह से उसने मुझे टुकराया, तुमने मेरी जिंदगी छीन ली। यकीन करो सुनते, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था, पर अब तो इतना वक्त गुजर गया है, अब तो जुनैद भी मेरा नहीं रहा, किस बात का बदला लेंगे? मेरी मदद कर सानिया, सानिया घर छोड़ के चली गई है, हमने सारी जगह ढूंढा है, उसको कहीं नहीं मिल रही। लड़की जात है, अगर वो चूंच नहीं छो गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। खुदा के लिए उसको कहीं से ढूंढ ला। तुम मेरा काम करते हो, मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ। क्या हो? अच्छी तरह से जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ, तुम में हामी भरी थी और तुम्हारे अलावा अब ये काम कोई नहीं करेगा। मैंने दूसरा पुतला तैयार कर लिया, ला कर दूं? क्यों करवाना चाहती हूँ मुझसे ये काम? तुम्हें क्या मिलेगा इससे? तुम नाम खाओ, पेड़ क्यों गिन रही हो? यकीन कर लो मेरी बात पर, अगर तुमने मेरा ये काम कर तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसी खुशियां जिसके लिए मुझे अपने ईमान का सौदा करना। दुनिया के लिए मैं एक नाकाम औरत ही सही,
लेकिन अल्लाह के सामने मैं शर्मिंदा नहीं हो सकती। मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे लिए ये काम नहीं करूंगी। ऐसे बड़े बोल नहीं बोलते। मेरे पास वापस उदा हानिया बेटा पराठा कौन जी मैं ले रही हूँ। Sorry, I got late. आप आगे चले आप बैठे मैं दो मिनट में पराठा लेके आती हूँ। क्या कर रही हो तुम? तुमको डॉक्टर ने मना किया है। बाबा मैंने तो कहा था आंटी से लेकिन मानी नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ये इन दोनों का आज पहला दिन है। आज नहीं करूंगी तो कब करूंगी? अब जरूरी है कि तुम किचन में जाके काम करो, बाहर से मंगवा लो खाना कुछ। आंटी मैं बना लेती हूँ। आप ही? ये आंटी नहीं है, ये हमारी छोटी अम्मा है। हाँ बिल्कुल छोटी अम्मा है। नहीं जुनैद कसम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज दर्द भी नहीं हो रहा। प्लीज बैठी मैं बना लेती हूँ। कर लो तुम, कर लो जाके पका लो। बेचारी दो दिन की मेहमान आई है हमारे घर में, इनसे मैं कैसे काम करा सकती? मेरी बेटी है यार, बना देगी। क्यों बेटा बना दो ना। अच्छा तो बेटा दो पराठे बना दो और साथ में चाय। मेरे लिए भी, मेरे लिए भी। हाँ जी, तुम्हें कुछ चाहिए? चलो ले इसको जो तुम खाओ ना। नहीं जान लो, आप शुरू करें ना। नहीं क्यों मैं शुरू करूं? पहले आप। नहीं पहले आप, जब तक नहीं खाएंगे मैं नहीं। मैं खिलाऊंगा। अच्छा ठीक है। आप हमसा बेटा कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम। तो बस आ ही रहा था, मुझे लगा घर में कोई नहीं। बेटा हानिया और अलीना तो अपने अप्पू के घर में। और सानिया? सानिया हमसे सानिया घर छोड़कर चली। हम बहुत परेशान, कल से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं नहीं मिली। लेकिन आंटी मुझे तो हानिया ने कुछ नहीं बताया, कल से कांटेक्ट भी नहीं किया। बेटा वो तो खुद बहन की वजह से बहुत परेशान हो गई, पता नहीं लड़की कहाँ चली गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मेरे जहर भाई, मुझे हानिया बता रही थी कि जहर भाई को फोन की उल्टियां हुई थी। जी हाँ आई थी, लेकिन इन सबके पीछे एक औरत, एक काला जादू करने वाली थी। मुझे तो अम्मी ने बताया था क्योंकि उस दौरान मैं घर में नहीं। क्या क्या कहा तुमने, काला जादू करने वाली औरत? आंटी इस बात की तस्दीक मेरे मुर्शिद ने भी की। जब मैं अब्बू के पास हॉस्पिटल में था, उस औरत के चेहरे का अक्स मेरे जहन में आया। मेरे मुर्शिद ने मुझसे बहुत वजीफे करे, शायद इसी वजह से ये सलाहियत मुझे मिली। सुम्बुल हमजा चलो मेरे साथ। अब तो आप उसके घर पे रेड करें इंस्पेक्टर साहब। आपने खुद ही पूछा था कि अगर मुझे किसी पे शक है तो बताएं। मुझे इस औरत पे शक है, मुझे यकीन है कि सानिया इसी के पास है। आप इतने वसूख से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि वो औरत सिफली इल्म करती है, उसने मेरा घर बर्बाद कर दिया इंस्पेक्टर साहब। आप नहीं जानते पिछले चंद महीनों में हम लोगों ने क्या कुछ नहीं सहा। भी आप तो पढ़ी लिखी लगती हैं, आप भी आम औरतों की तरह जादू टोने पे यकीन रखती हैं। आपको यकीन नहीं करना ना करें, लेकिन उसके घर की तलाशी लें। फिर वही बात भाई, मैं बगैर सबूत के किसी के घर की तलाशी कैसे ले सकता हूँ, वो भी एक औरत के घर की।
भाई, जबकि आप बता रही हैं कि वो वहां अकेली रहती है। अभियान की कौन? हेलो, सलाम आंटी। आंटी वो मेरे दोस्त ने सानिया के फोन की लोकेशन मालूम कर ली। आंटी गुलशन की लोकेशन आ रही है। एक मिनट अभियान। इंस्पेक्टर साहब, अब तो सबूत भी मिल गया है, सानिया का फोन ट्रेस हो गया है, और अभी जो एड्रेस ही भेजेंगे, मुझे यकीन है कि ये उसी औरत के घर का एड्रेस है। हाँ अभियान, लोकेशन भेजो। मैं अभी भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ। अब तो चले इंस्पेक्टर साहब, सबूत भी मिल गया है। देखिए, मुझे सर्च वारंट के लिए थोड़ा वक्त दरकार होगा। आप लोग अभी घर जाएं, मैं एक डेढ़ घंटे में रब्ता करूँ। हाँ भाई शकुर, इधर आप। मैं सानिया अंदर हूँ। तलाशी, सर्च वारंट है आपके पास? देखो सारे कमरे तलाश करना, कोई कोना कुतरा छूटने ना पाए। लेकिन मैंने किया क्या है? तुमने किया ये सब? इधर बेबी, इधर 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 मुझसे बात करें। आप मुझसे बात करें, किधर छुपा के रखा है लड़की को? मैंने किसी लड़की को कहीं नहीं छुपाया, इसकी बेटी घर से भागी है। इल्जाम लगा रही है मुझ पे, ये अच्छा नहीं करी तुम बढ़िया। नहीं तो क्या करेगी तू? हैं? जादू करनी है क्या? जादू करनी? मैं यहाँ लोगों की मदद करती हूँ, किसी से भी पूछ ले आप। अभी बताते कैसी मदद करती है, क्या है यहाँ पर? मैं अंदर हूँ। क्या है दरवाजे के पीछे? मैं हूँ। क्या छुपा के रखा है? खोलो दरवाजा। दरवाजा खोल, चाबी कहाँ है इसकी? खोला दरवाजा, खोले खोले।
कोई नहीं है इस घर पे। लेकिन जहां उसका फोन बंद हुआ था वो यही जगह है इंस्पेक्टर साहब, वो यही होगी। बीबी आपकी शायद बात समझ नहीं आ रही है, आपकी बेटी इस घर पे नहीं है, वो यहाँ तो कोई भी नहीं है, अकेली रहती है यहाँ पे ये। हाँ हेलो, अस्पताल लेके जाओ, आ रहा हूं मैं, चलो यार। लेकिन लेकिन मेरी बेटी। बीबी आपके बात समझ में क्यों नहीं आ रही, नहीं है आपकी बेटी यहाँ पे। हमारे पास सबूत है। कोशिश कर रहे हैं ना हम, और क्या करें, क्या क्या सबूत है आपके पास? फोन उसका यहीं बंद हुआ था। ओ मेरी बहन, फोन के सिग्नल का दायरा 20 मीटर का होता है, हो सकता है आपकी बेटी फोन बंद करके गली में फेंक के चली गई हो। चलो यार। इंस्पेक्टर साहब क्या क्या कह रहे हैं आप? जाना है मैंने, इमरजेंसी है मुझे। हेलो जी अभियान, कुछ पता लगा सानिया का? नहीं बेटा, जिस पर मुझे शक था, जहाँ से उसका फोन बंद हुआ था वहाँ से तो नहीं मिली। बेटा अभी तुम कहाँ हो? आंटी मैं घर से निकल रहा हूँ, आप कहाँ हैं? बेटा हम भी घर की तरफ जा रहे हैं, तुम मुझसे मिल सकते हो, घर आ सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, फिर वहाँ मुलाकात होगी तुमसे। मैं काम करती हूँ यहाँ पे। कौन है हानिया? मैं हूँ बाजी मलका। अरे वाह, आज तो मलका आलिया भी तशरीफ ले आए। बताइए क्या हाल है शहजादी का, ऑपरेशन हो गया? नहीं बाजी, वो डॉक्टर कहते हैं दवाओं से ठीक हो जाएगी। लेकिन बुआ ने मुझे धोखा दिया, मुझसे कहा था ना कि सारे काम करोगी, हाँ या ना? जी बाजी। और ये भी कहा था कि मैं बेफिक्र हो जाऊं, सब संभाल लूंगी, मेरा ख्याल रखोगी, यही वादा किया था ना? जी बाजी। लेकिन वो हकीकत तो ये है कि अपने अपने होते हैं। मेरी इस हालत में आप मुझे छोड़ के अपनी बेटी के पास चली गई, और ये भी नहीं सोचा कि जुनैद के आप लोगों पे कितने एहसान आते हैं। बाजी मेरी बेटी है वो, और कोई नहीं उसे देखने वाला। ये तो मैं कह रही हूँ, अपने अपने होते हैं, और अब मेरी अपनी भी मेरे पास आ गई। क्यों हानिया? जी बिल्कुल, और हम दोनों मिलके सारे काम कर लेंगे, है ना? सुन लिया तुमने, अब कोई जरूरत नहीं, चली जाओ। ये नौकर भी ना बहुत तंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, और क्या जरूरत है, छोटा सा तो घर है, हम दोनों मिलजुल के सारे काम कर लेंगे, है ना? चलो अब तुम बैठो और मैं जल्दी से चाय बना के लेके आती हूँ। आंटी आप बैठिए, मैं बना लेती हूँ। चलो ये तो छोटा सा काम है, मैं खाना बना दूंगी।
उसका बेटा सीढ़ियों से गिर गया। हाँ हेलो, अस्पताल लेके जाओ, आ रहा हूं मैं। क्या हुआ? क्या नहीं मिल सकता? ओके, जैसे ही ऑन हो तो बताना। खुदा हाफिज। क्या कह रहे? डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं मिल सकता आंटी, वो काफी लंबा लीगल प्रोसेस है। कोर्ट में एप्लीकेशन जमा करवानी होगी और फिर कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो डाटा देते नहीं देते। डाटा इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से आंटी, ये काम पुलिस को ही करने देना चाहिए। सुरन वही इस काम को बेहतरी से कर पाए। क्या पुलिस कुछ नहीं करेगी? उस औरत ने मेरे खिलाफ महाज बना रखा है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। आंटी, मैं और अभियान आपके साथ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये औरत आपसे आपसे चाहती क्या है। वो कहती है कि मैंने उसकी मोहब्बत पे डाका डाला है, कोई बदला ले रही है। क्या मतलब है? आपने समझा नहीं बेटा, हम तीनों एक साथ यूनिवर्सिटी में थे। वो जुनैद को पसंद करती थी और जुनैद मुझे। लेकिन ये तो कोई 25-30 साल पुरानी बात है। इतनी पुरानी होती? इसका तो एक ही मतलब है कि वो औरत साइको है। मैं तो सब कुछ भूल गई हूँ, लेकिन वो औरत अपने दिल में दुश्मनी लेके बैठी है। मेरे बच्चों को मुझसे अलग कर दी, मेरा शौहर चला गया, हालांकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने तो उसे कोई धोखा नहीं दिया, जुनैद ने भी नहीं, लेकिन बस बस पता नहीं किस चीज का बदला ले रही है। जुनैद अंकल को बताया आपने? बहुत अरसा हो गया मेरी उनसे बात नहीं हुई। मैं तुम दोनों पर इत्तबार कर सकती? पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए भी नहीं, लेकिन लेकिन मैं अपना दुख किसी को तो बताना चाहती। वो जुनैद ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन क्यों? नहीं मान। अगर आपने ये बात जुनैद अंकल को नहीं बताई तो बहुत बड़ी गलती है। बेटा, वो किसी की बात सुन ही नहीं रहे, मैं क्या बताती। हमजा ठीक कह रहा आंटी, आप अकेले क्यों झेल रही हो? बताएं जुनैद अंकल को। वो यकीन ही नहीं करेंगे। हेलो। हाँ फातिमा, मैं यहाँ हानिया के घर। तो मम्मी को ये बात नहीं बताओ? हाँ, मैं सीधा आता हूँ। ठीक है, बाय। हमजा, अब तुम घर जाओ, काफी देर से तुम मेरे साथ हो। पता नहीं तुम्हारी माँ मुझे कभी माफ करेंगी भी या नहीं। आंटी, मैं कोशिश करूंगा कि मम्मी के दिल में आपके लिए जो भी है वो दूर हो सके। चलता हूँ, ऐसे ही टाइम निकलता है, मैं वापस आऊंगा। एक बात कहूँ आंटी, जितनी जल्दी हो सके जुनैद अंकल को सब कुछ बताओ, ये हम सबके लिए बेहतर है। ठीक कह रहे, लेकिन आपको ये बात जुनैद अंकल को बता देनी चाहिए। आपके कनेक्शन नहीं है पुलिस में, पुलिस आपकी बात नहीं मानेगी, लेकिन उनके कनेक्शन है। ये बात मैंने खुद देखी।
बेटा तुम सानिया को अपना लोगे ना? आंटी आप लोग इतने अच्छे हैं, सानिया इतनी अच्छी है, तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आप जैसा खानदान मिल रहा है, सानिया मिल रही है। आप टेंशन क्यों ले रही हैं? इंशाल्लाह मिल जाएगी, सही हम सब आपके साथ। हेलो। हाय डार्लिंग, कैसे हैं आप? यार बहुत दिनों बाद ना मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या चक्कर। थाने से कुछ पता चला? पता नहीं यार, काम में दिल भी नहीं लगा मेरा, पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। तो घर आ जाए ना, वहाँ पे अकेले बैठे क्या कर रहे हैं आप? काम तो होता रहेगा। ठीक है, तुम संदूर का शरबत पिलाओगी मुझे? आप आ जाएं, मैं पिला दूंगी। हानिया? जी आंटी। तो ये नौकरों के काम देखो, इतने कपड़े जमा हो गए अभी तक धोए नहीं। दे मैं धो दूंगी। नहीं, मैं तुमसे थोड़ी कपड़े धुलवाऊंगी, लेकिन अगर तुमने हेल्प करनी है तो आज का खाना पका दो ना। तो चूल्हे के सामने खड़े होके बहुत घबराहट होती है मुझे आजकल। ठीक है, मैं बना देती हूँ। क्या बनाऊँ? फ्रिज में कीमा है, वो बना लो, मैं कपड़े धो देती हूँ। जी अलीना बेटा, जब बाबा आए तो उन्हें कहना कि मैं कपड़े धो रही हूँ। जी छोटी अम्मा। भाभी थे ऑफिस में 10 मिनट पहले निकले, भाभी आज जल्दी चले गए, शायद कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, सर में भी दर्द था उनके। ओह अच्छा, कुछ काम था भाभी? नहीं, मैं उनको फोन कर लूंगी। इट्स ओके भाभी, चले। तुमने मशीन भी चला दी, कपड़े क्यों धो रही हो तुम? तो मैं और क्या करूं? आपकी मलका तो चली गई, अब किसी ने तो कपड़े धोने हैं ना। किसी लॉन्ड्री में भेज देती, धोबी से धुलवा लेती, खुद क्यों धो रही हो तुम? प्लीज, धोबी के पास हरगिज नहीं भेजने, पता नहीं क्या गंदा पानी इस्तेमाल करते हैं, रंग खराब कर देते हैं, बदबू आने लगती है कपड़े। अपनी कंडीशन तो देखो यार। क्या कंडीशन? आई एम फाइन। हानिया, हानिया, क्या? Are you all right? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं कर लूंगी। तबीयत खराब हो रही है संदल की, मैं इसको मना भी कर रहा था कि कोई काम नहीं करना चाहिए, देखो इसे चक्कर आ रहे। कैसी बातें कर रहे हो, वो बेचारी पहले से खाना पका रही है, क्या कुछ करेगी? संदल सी बेटी है, कर लेगी कुछ काम थोड़ा बहुत, भी तो देख लेना कपड़े उपड़े को, मैं इसको अंदर लिटा के आता हूँ। चलो चलो, मैं तुमको मना किया था, आ जाओ मेरे बाहर, आ जाओ, आ जाओ। क्या किया? थैंक यू बेटा, थैंक यू। कोई चेहरा है मेरे
देखता।